ये मेरा दीवानापन है। वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे तू मोहब्बत करेगा। शेर की तरह डट के सामने खड़े हो जाना, अपने बाप की तरह अपनी बहनों के पीछे मत छुपना। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अल्लाह बस, हमारी अम्मी मरहूमा कहाँ करती थी। लानत ऐसी औरत जिसके होते हुए उसके शोहर को वक्त खाना ना मिला। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे अब्बा मरहूम को खाने के लिए कहना पड़ा, हालांकि पीसियों नौकर थे घर में, लेकिन फिर भी अम्मी मरहूमा वक्त से पहले खाना तैयार कर लेती थी। अल्लाह ही रहम करे इस घर पे, यहाँ तो चार लोग और फिर भी खाना वक्त पे तैयार नहीं है। कपड़े धो रही थी आपा, बस कुछ देर में तैयार हो जाते। हो गया तैयार, रक्षंदा कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। चलो अच्छा है, थोड़ा आराम कर। सारा दिन काम करती रहती है अपने घर में, दूसरों की तरह थोड़ी। शोहर और बेटे से खिदमत करवाए और फिर मजलूम भी कहलवाए। कहाँ जा रहे? अभी कल शाम को इतना बड़ा तमाशा हुआ घर में, फिर भी किताब अपने ऊपर हराम कर रखी है। कोई काम है आपको? खुदा ना करे कभी मुझे तुझसे कोई काम, लेकिन जब माँ अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ले तो दूसरों को तो कहना पड़ता है। पढ़ाई क्यों नहीं करता तू? इस सारा सारा दिन बाहर जाकर तुझे मिलता क्या है? सुकून। दुकान चला रहा? नीचे क्लिनिक में जा रहा हूँ, अब वापस आते हैं तो वहां पे किसी को आना जरूरी है। मैंने तो तू कौन सा डॉक्टर है? वो मेहताब है, उसे आराम करने के लिए तनख्वाह और रहने की जगह मेरे भाई ने दी है क्या? वो अकेली होती है इसलिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, उसकी जिम्मेदारी है क्लिनिक को संभालना और साफ करना। तनख्वाह लेती है इस बात की वो। और कुछ? जा अपने कमरे में अपनी किताबें संभाल, और कुछ का बच्चा। रोक, कहाँ जा रहा है? ठहर। रोका क्यों नहीं तूने इसको? क्यों जाने दिया? बदतमीज हो गया है तेरा, कोई बात नहीं सुनता। ये सब तेरी शह पर हो रहा है, तू सिखाती है उसे सब कुछ। अभी आए नफीस तो मैं कहती हूँ उसको, फैसला करे तुम दोनों का, निकाल कर बाहर करे तुम दोनों को। देरी हो गई, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सुन रही हूँ पापा। खाने दे नफीस को, आज ही कहती हूँ तेरे आवारा बेटे और तुम्हें चोटी से पकड़ कर बाहर निकलवाऊंगी।
अगर अब्बू को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अब क्या करूं, उन दोनों ने तो सारा का सारा काम ही मेरे सर पे डाल दिया। मेहताब आप, वो मैं अबू ने कुछ मंगवाया था। क्या मंगवाया था? उनके कागजात थे कुछ। उन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, और तुम्हें क्या पता क्या उनकी कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है? आप यहाँ पे थे नहीं ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद देख लूँ। तो तुम मुझे बाहर बुला सकते थे। उन्होंने जो कागजात मंगवाए थे वो मिल गए? नहीं। चले मैं पूछती हूँ उन्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो रहने दें, वो खुद ले लेंगे आके। मैं चलता हूँ। थोड़े से पैसों के लिए अपनी चमड़ी उधवाएगा। अरे भाई, उसका तो बस नहीं चलता है कि सुबह आंख खोले तो अपनी दुकान पर भाग जाए और आधी रात को अपने घर वापस लौटे। खैर, मैं भी अपनी जूती पे रखती हूँ, आए नहीं तो ना सही। सही बात है, ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं, और वैसे भी ये मर्द तो अपनी बीवियों को सताने के लिए हरकतें करता ही रहता। अरे कैसी हरकतें आपा जान, मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि मुझ पे रोक टोक करे। अगर वो अपने काम में लगा रहता है तो मैं कौन सा उसका इंतजार करती रहती हूँ। बेटियों का काम तो तुम खुद ही करती हो, वो तो फिर भी सुकून में है। अरे कैसा सुकून आपा जान, अगर एक काम मैं करती हूँ तो 10 उससे करवाती हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात, इसी तरह उसको उसकी औकात में रखो। अच्छा खैर आपा जान, अब मैं चलती हूँ, बेटियां भी घर पे अकेली हैं। वो रक्षंदा अभी तो आई, वो चार बातें भी नहीं हुई। नहीं भाई आपा जान, मुझसे इस तरह से भूखा पेट यहाँ नहीं बैठा जाता। कब से आई नहीं हूँ, ना रोटी ना पानी ना चाय, तौबा, बिल्कुल मुर्दा खाना बन के रह गया है ये घर तो। तुम बैठो तो मैं भी अत्या की खबर लेती हूँ। अत्या, ओ अतिया, अतिया। जी। ये बताओ रक्षंदा को आए कितनी देर हो गई? जी जवाब दो, 3 घंटे हो गए ना? जी हो गए। तो चाय खाना तेरा अब्बा लगाएगा। बस रहने दें आपा जान, कहीं ये फिर से अपना आवारा हम पर ना छोड़ दे। तो हम क्या डरते हैं इसके हरामखोर बेटे से? हमारे भाई का खाती है, हमें डराएगी? ऐसी तो कोई बात नहीं आपा, तुम बैठो मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे। बस बस, ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है, सब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बैठो, मैं खाना लगा रही थी, अभी वो आते हैं तो इकट्ठा खाना खाते हैं। ये चोचले करके किसी और को दिखाना भाभी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप और आपका बेटा किस कदर हमारे खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं।
एक दफा मेरा भाई मुझे इजाजत दे देना तो मैं खुद आपको और आपके बेटे को इस घर से खुद निकालूंगी। तुम अकेले क्या निकालोगे? हम दोनों मिलकर अपने भाई की जान खलासी करेंगे। एक बार वो हाँ तब बोलते हैं। क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? तुम अभी खाना खा लो, हम नहीं करते उनका इंतजार। मैं नफीस की बहन जरूर हूँ लेकिन भाई जान की तरह बिल्कुल भी नहीं, जिसको आप अपनी बातों से मनवा लेती हैं। और ये बात अब नफीस के आने के बाद ही होगी। उसे भी तो पता चले कि ये हर वक्त के मगरमच्छ के आंसुओं के पीछे असल हकीकत क्या है। बस आपा जान, अब मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि यहां मैं एक मिनट भी रुकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि फिर से कोई बेगैरत आकर मुझसे बदतमीजी करे। वैसे भी इस घर में बेगैरतों की कोई कमी नहीं है। तंग आ गया। किससे? तुमसे, तुम्हारी शिकायतों से, तुम्हारे वजूद से। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। अच्छा, तुम मेरी जान भी छोड़ सकते। कहां जाऊं? कहीं भी, जहां ना मुझे दिखाई दो ना सुनाई दो। कितना ही अच्छा होता अगर आप मुझसे शादी ही ना करते। मेरी बीवी कोई हसीन औरत थी, चांद जैसी दमकती उसकी सूरत होती, और जब हम बाहर निकलते तो दुनिया कहती चांद और सूरज की जोड़ी जा रही है। आपने कभी नजर उठा के मुझे उस तरह से देखा ही? मुमकिन है मैं भी आपके दिल में उतर जाऊं। अतिया, मैंने फैसला कर लिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। दूसरी शादी? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं, लिहाजा अपना रिएक्शन सोच समझ कर दिखाना। हमारा क्या होगा? जाहिर है, तुम लोग को जान से मारने से तो रहा, कुछ ना कुछ तो करूंगा तुम्हारा और जहांगीर का। कहीं मुझे देख ना लिया हो, अगर उन्होंने अबू से कुछ कह दिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे मेहताब से जाके सब कुछ सच सच कह देना चाहिए ताकि वो अबू से कुछ ना कहें। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी अबू से कह दिया तो मोहब्बत में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं किसी और का इंतजार था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक चीज की तलाश है, सोचा तुमसे पूछ लूं। दाखिल करो। कहीं डॉक्टर साहब को जहांगीर की चोरी का पता तो नहीं चल गया? क्या बात है, परेशान क्यों? जी, मैं समझे नहीं आपकी बात। मेरा मतलब है कि यही बात हम अंदर भी कर सकते हैं। अब जी जी, आइए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही कमरा और वही क्लिनिक है जो तुम्हारे आने से पहले थी। तुम्हारी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है। क्लिनिक को संभालना मेरा काम है, ये कमरा मेरी दुनिया है।
और हर एक को चाहिए कि वो अपनी दुनिया को खूबसूरती से सजाए। ये खूबी भी बहुत कम लोगों में होती है कि जो वीरानों को आबाद कर दे। बाज लोगों का वजूद तो ऐसा होता है कि हंसते बसते घर को जहन्नुम बना दे। यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी भी जहन्नम थी। यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन आपने जिस तरह का सलूक रखा मेरे साथ, मैं सोचती हूँ अगर आप ना होते तो मैं कहाँ जाती। आप वाकई मेरे मौसन हैं। एक रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? मुझसे निकाह कर लो मेहता। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। ये जो तुमने मकाम बनाया है अपनी अच्छाई, अपनी लगन और अपनी मेहनत से। मेरी अच्छाई को समझने के लिए भी मैं आपकी मशकूर हूँ। मैं आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं उतार सकती। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे एहसान का बदला उतार सकती हो। मैं समझी नहीं। एक रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? मुझसे निकाह कर लो मेहता। यहाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपकी एक बीवी है, एक बेटा है, उनके होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मेरी जिंदगी जिस स्टेज पर पहुंच गई है, उस स्टेज पर मेरे लिए दूसरी शादी करना ही बेहतर है। हालात और शरीयत मुझे दोनों इजाजत देते हैं इस बात में। क्या हालात और शरीयत आपको एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत दे रहे हैं? वो भी उस औरत की जिसने पिछले कई सालों से सिर्फ आपके घर की गुलामी की है। गुलामी की? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरा घर तबाह किया है। मैं उसको देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। आपने कितनी आसानी से सारे इल्जाम अतिया पर डाल दिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वो आपकी बेटी की माँ है। कभी देखा जिस उलिया में फिरती है वो, जैसे बात करती है, जैसे उठती बैठती है, ऐसी औरत के साथ मेरा गुजारा हो सकता है? कभी नहीं। और रही बेटे की बात ना, तो जहांगीर की वजह है जिसकी वजह से मैंने आज तक उसको घर से नहीं निकाला। आपने उसकी सूरत देखी है, सीरत नहीं देखी, जिसे उठने बैठने के अंदाज को आप ताने दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसकी वजह आप और आपकी बहनें हैं। आपने कभी उन्हें इतनी मोहब्बत ही नहीं दी कि वो घर के कामों के अलावा किसी और की तरफ देखे। तुम उसकी वकालत मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। आपकी वजह सच होती तो शायद मैं इस बारे में सोचती भी, लेकिन मुझे मालूम है जिन बातों की वजह से आप अतिया को छोड़ना चाह रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने मेरी जिंदगी अजीर्ण नहीं की? नहीं, आपकी बेरुखी ने उसकी मासूमियत छीन कर उसे डर के पिंजरे में कैद कर दिया है, उसे कुमला के रख दिया है। आपकी बहनों के हर वक्त काम 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 के नाम के यलगार ने उसके सारे एहसासात को खत्म कर दिया है। वो औरत भूल गई है कि वो एक बीवी है, एक माँ है, उसे होश ही नहीं है।
या यूं कहिए कि उसे होश में आने ही नहीं दिया जा रहा। बड़ा हिसाब निकलता है आतिया का आपकी तरफ डॉक्टर साहब। बीवी को घर में रख के दो वक्त की रोटी देना सिर्फ शौहर का फर्ज नहीं है, उसे इज्जत प्यार मान देना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने भी उसे कुछ नहीं दिया। आपने कभी उससे बात करने की या उसे समझने की कोशिश की है? अतिया को तो छोड़े, आपने तो कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं की। आपके लिए वो सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक सामान है कि आप एक बेटे के बाप हैं, वरना बाप बनने का फर्ज तो आपने अदा ही नहीं किया। महताब, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं हदें बाजे कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी आंखें खोल रही हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तों में जिंदगी ढूंढे, ना कि किसी और रिश्ते से जिंदगी जोड़े। आप अपनी दिल की खुशी अपनी बीवी में तलाश करें। मैं नहीं समझती कि आपको इर्द गिर्द देखने की भी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे इखलाकियात का सबक लेने नहीं, तुम्हारी रजामंदी या इनकार सुनने के लिए आया हूँ। खुद इनकार करने के बजाय आपसे इनकार करवाना चाहती हूं। मेरा इनकार करना एहसान फरामोशी होगा और आपका इनकार करना रिश्तों का तकद्दुस। डॉक्टर साहब, मैंने रिश्ते उजड़ने का दुख देखा है। मैं किसी औरत को दुख नहीं देना चाहती। आपकी बेहद एहसान मंद मुझे किसी आजमाइश में मत डाली। आपने सब कुछ सुन लिया। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में आने वाली दूसरी औरत मेहताब की तरह जवाब दे। इससे पहले कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में कोई और औरत आ जाए, आपको जागना होगा। स्केल कहाँ है? मेरे पास है मम्मी। निकाल के दो। पर आपने तो मुझे सजा में खड़ा किया है। मुझे स्केल दो, उसके बाद सजा में खड़ी हो जाना। मगर आपने तो कहा था अगर यहाँ से हिली तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। नहीं तोड़ूंगी टांगे, मुझे स्केल ला के दो। पहले आप ये कहें कि मीना मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगी, स्केल लाओ। या अल्लाह, ये कौन जहन लड़की मेरे घर कैसे पैदा हो गई? अब आप ये कहना भूल गई कि स्केल लेकर आओ। स्केल लेकर आ जाओ, मैं टांगे नहीं तोड़ूंगी। अच्छा मम्मी, लाई। ये ला मम्मी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये स्केल छुपाते हुए? क्यों, क्या हुआ मम्मी? दफा हो जाओ उधर से। कहाँ मम्मी,
अपनी कॉपियां खोलो और पढ़ने बैठ जाओ फौरन। तो सजा मैं खड़े नहीं हूँ। नहीं, इसका मतलब सजा खत्म? तुम्हारी सजा तो खत्म हो गई है, लेकिन मनहूस जब से तू पैदा हुई है ना, मेरी सजा शुरू हो चुकी है। खुदा गर्क करे तुझे तौसीक अहमद। मनहूस, लेकिन अम्मी मैंने तो कभी आपको सजा में खड़े होते नहीं देखा। ओ मेरी माँ, बैठ जा और बैठ के पढ़ ले। आप आज जल्दी वॉक पे जा रहे हैं? तुमसे मतलब? नहीं, आप नाश्ता करके वॉक पे जाते हैं ना? अब नाश्ता कर ले, मैंने बनाया। मैंने नहीं करना, तुम कर लो। 5-10 मिनट की तो बात है, शायद ये मेरे हाथ का बनाया हुआ आखिरी नाश्ता हो इस घर। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त खुद को मजलूम और हमें फिरौन साबित करने की कोशिश मत किया करो। मैंने तो हमेशा इस घर से वफा ही साबित करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि इस घर की दीवारों के साथ साथ इस घर के लोगों की रगें भी सफेद हो चुकी। वैसे भी आप मेरी नाराजगी अपने पर क्यों निकाल रहे हैं? अब तो आपको मुझ पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना फैसला बदल दूंगा, तो ये हरगिज नहीं होगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हटो। फरमाइए। आप हर वक्त यही गाना सुनती रहती हैं? तुम भी तो हर बार एक ही फिल्म देखते हो, बोर नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिल्म तो मेरे एहसासात को दुगना कर देती है। जब मैं परेशान होता हूँ मुझे और परेशान कर देती है, जब मैं खुश होता हूँ मुझे और खुश कर देती है। मेरी पक्की दोस्त है वो। सर छोड़ो, कैसे आना हुआ? मुझे कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना है? अबू कह रहे थे कि आपने बीएससी किया और आपके इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए थे। मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिला और किस्मत ने नर्स बना दी। लेकिन फिर भी आप मुझे पढ़ा तो सकती हैं ना? क्या पढ़ना है? मैं तो बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अम्मी को थोड़ी दुनियादारी सिखा दें। उनकी बेइंतहा सादगी की वजह से हमारा घर टूट जाएगा। पता है मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत है ना, वो दुगनी हो चुकी है। कल जो आपने अबू से बातें की,
ऐसा उनसे कभी किसी ने नहीं कहा। प्लीज मुझ में और अम्मी में आपको जो भी खामियां नजर आती हैं उन्हें दूर करवा दें। ठीक है, पढ़ा दूंगी, कल से आ जाना। वादा? पक्का। थैंक यू मेहताब। सुनो, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे मेहताब ना कहा करो। मेहताब को किसी और नाम की जरूरत ही कहां है। तो ठीक है, तुम मुझे सिस्टर कहा करो, वैसे भी नर्स को सिस्टर ही तो कहते हैं। लेकिन मेरी नजर में तो आप सिस्टर नहीं है। तो फिर क्या हूं मैं आपकी नजर में? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं कल लेने के बाद आऊंगा, चलता हूं। मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, फिर तुम अपनी मलकियत बनाकर क्यों रखना चाहती हो मुझे? अगर मैं किसी और औरत को चाहूं भी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो पहले भी तुम्हारा नहीं था। आप कभी मेरे दिल में क्यों नहीं देखते? मैं अच्छा दिल रखती हूँ, अच्छी बातें कर लेती हूँ, मेरा चेहरा ही देखते, मेरी कम शक्ली को ही देखते, आपकी निगाहें मेरे चेहरे पर पड़ती हैं और साथ ही पलट जाती। देखो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे अपनी मलकियत क्यों बना के रखना चाहती हो जबकि मैं तुम्हारी मलकियत हूं ही नहीं? लेकिन मैं तो आपकी मलकियत हूं ना, मुझे अपना नहीं समझते, मगर मैं तो आपको अपना समझती हूँ। अपने मालिक को किसी और के साथ बांटने में तकलीफ तो होगी। सो जा। अरे वाह, आज तो बड़ा खुशी खुशी किताबें रख रहे हो, पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। अम्मी मैं ना आज से मेहताब के पास पढ़ने जाया करूंगा। वाकई? मेहताब ना कह रही थी कि मुझे वो पास करवा देंगे इस दफा। मेरा जानी तो बड़ा जिम्मेदार हो गया, लेकिन मेरा बेटा उसको परेशान तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं अम्मी, मैं क्यों परेशान करूंगा उन्हें, बहुत अच्छी है। हाँ वाकई वो बहुत अच्छी है। काश मैं भी इतनी अच्छी हूं। ज्यादा अच्छी, उनसे भी ज्यादा। पता है मेहताब आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा, क्या कह रही थी? ये मैं आपको आके बताऊंगा ना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। जानी केमी, वो
तुम्हारे अब्बू दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? नहीं अम्मी, अब्बू बिल्कुल दूसरी शादी नहीं करेंगे। पता है मेहताब कह रही थी कि वो हम दोनों को ना बहुत अच्छा बना देंगे, फिर अब्बा हम दोनों को पसंद करेंगे। सच? बिल्कुल सच। मेहताब जो भी कहती है ना हमेशा सच होता है। उसे कहना कुछ भी करे लेकिन उनको दूसरी शादी नहीं करने दे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर उनके साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानी जानी भला ये कहाँ का इंसान? क्या सिर्फ खूबसूरत औरत ही मोहब्बत कर सकती है? क्या मेरे जैसी आम शक्ल सूरत की औरत मोहब्बत नहीं कर सकती? मैं अब्बा की जिंदगी में ना कोई दूसरी औरत नहीं आने दूंगा, ये आपके बेटे का आपसे वादा है। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अंदर जाने की इजाजत हमने नहीं दी तुम्हें आतिया, पहले तुम रक्षंदा के लिए चाय का इंतजाम करो, उसके बाद अंदर जाकर नफीसुद्दीन को अपना ये रूप दिखा दो। और तीसरी ये कि आप और मैं